मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना अकेले यहाँ पे कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। निक, तुम्हें नहीं लगता यू आर बीइंग टू हार्श ऑन मी नोइंग माय सिचुएशन? और मेरी सिचुएशन, मैं डैड को क्या बोलूं कि मैं शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रोशनी अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है। निक सीरियसली यार, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब मैं तुम्हारे साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकती? आई वाज सो हैप्पी कि तुमने कॉल किया। आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू, और तुम किसी और ही टेंजेंट पर जा रहे हो। रोशनी, एम आई ओवर रिएक्टिंग? इस वक्त ना तो मैं झगड़ा करने के मूड में हूँ और ना ही मेरी हिम्मत है। प्लीज आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। मे आई कम इन? यस। क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं नहीं, मैं किसी काम से नहीं आई हूँ। तो फिर? एक्चुअली आपको थैंक्स कहने आई हूँ। किस लिए? आई एम सो हैप्पी, आपके ज्वाइन करते ही लीला हॉस्पिटल ट्रैक पे आ गया और ऊपर से इतनी पॉजिटिव पब्लिसिटी, ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक्स, थैंक यू सो मच। आपको खुशी नहीं हुई सुन के? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है मिस मोना? शायद आप लोगों के लिए होगी लेकिन मेरे लिए बहुत आम बात है। मिस मोना, बड़ा चढ़ा के बोलने की मुझे आदत नहीं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। Anyway, मुझे लगा कि आपकी खुशी की शायद कोई और वजह भी होगी। मैं कुछ समझी नहीं। To be honest, I thought शायद रोशनी को बेल मिल गई है इसलिए आप खुश। Oh, yes, रोशनी की जमानत हो गई, वो घर वापस आ गई। Thank God, matter resolve हो गया। You really think कि matter resolve हो गया? क्योंकि Miss Mona, बेल होना अलग बात, लेकिन बाइज्जत बरी होना एक अलग। हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया की नजरें 24 घंटे इस केस पर गड़ी, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व। अगर गलती से भी रोशनी गिल्टी साबित हो गई तो जिस ग्राफ की बात करिए ना, जो बहुत तेजी से ऊपर गया, वो उतनी डबल स्पीड से सीधा नीचे आ जाए। ज्यादा भूल रही है कि रोशनी के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। अगर रोशनी जेल चली गई तो उसका सीधा असर लीला हॉस्पिटल की इमेज पर पड़ेगा। Do you want that? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। किसी भी तरह रोशनी को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, सिर्फ लीला हॉस्पिटल के लिए। अरे भाई, मैंने किया क्या? आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि लीला हॉस्पिटल के नाम के साथ डॉक्टर समीर पुरोहित का नाम भी जुड़ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। That's a promise. पर आप ये सब कैसे करेंगे? ये उंगलियां देख रही हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छे से जानती हैं किसको सीधा करने के लिए कब, कहां और कितना टेढ़ा होना। डोंट यू वरी अबाउट दैट। सर जी, मैं श्रीधर, डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी। तो सर, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और होम मिनिस्टर साहब के पिताजी वाला जो केस है, सब मैंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। देखो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूँ। सर, पैसे के लालच में मैंने गलत रिपोर्ट लिख दी थी। सर, सच तो यह है कि पेशेंट की मौत सर ऑपरेशन के वक्त ज्यादा खून बहने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। सर, डॉक्टर रोशनी इसमें बिल्कुल बेकसूर है। सर, डॉक्टर साहब, क्या आप जानते हैं आपका यह बयान आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, फिर भी आप यहां तक चले आए। मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि सर, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेकसूर को सजा मिले। बस ये समझ लीजिए कि कल रात से अचानक ईमान जाग गया।
जनाब। अकु भाई, ये मिनिस्टर साहब का फोन। मिनिस्टर? हाँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। नमस्कार श्रीकांत जी। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली। आजकल के दौर में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी। वाई शुड यू बी सॉरी? आपने जो भी किया बेटे के रूप में किया, मंत्री के तौर पे नहीं। जी वो तो है, कभी कभी हम पद के अभिमान में अपने पद की गरिमा को भूल जाते हैं। लेकिन मेरी वजह से जो आपको और आपके परिवार को तकलीफ हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे तो मैं पिताजी के समय नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपकी बात मान ली है। मैंने अपनी माँ को भी बुला लिया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कभी कभार मैं आपको उनके इलाज के लिए तकलीफ देता रहूंगा। अरे नहीं, तकलीफ कैसे, ये तो हमारा काम है। बस हमें खुशी होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। 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 ये I am so happy. मुझे खुशी है कि रोशनी के सर से ये बेतुका इल्जाम हट गया, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूं रजत के लिए। जाहिर है कि कोई तो है जो लीला हॉस्पिटल का भला नहीं चाहता, या तो फिर ये नहीं चाहता कि रोशनी वहां काम करे। अब भगवान समीरेश ने हमें क्यों याद फरमाया? No clue. I hope कोई नई प्रॉब्लम ना हो। होम मिनिस्टर श्रीकांत वर्मा के पिताजी के अनइंटेंशनल मर्डर केस ने आज एक नया मोड़ ले लिया, जब खुद पोस्टमार्टम के इंचार्ज डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी ने पुलिस स्टेशन जाके ये कबूल किया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी थी। पेशेंट की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, डॉक्टर्स की लापरवाही से नहीं। डॉक्टर गोस्वामी ने ये भी कबूल किया कि उन्होंने ये रिपोर्ट पैसों के लालच में बदली थी। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि उन्हें पैसे किसने ऑफर किए थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ जारी है और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इस केस की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ होम मिनिस्टर साहब ने इस पूरे हादसे पे अपना अफसोस जताते हुए डॉक्टर रोशनी को अपनी हमदर्दी व्यक्त की। आप दोनों का इस बारे में कुछ कहना? मैं ये तो नहीं जानती कि कैसे किया, बट आई नो ये चमत्कार आप ही ने किया, राइट? Well, it doesn't matter. What matters is कि रोशनी बेगुनाह साबित हो गई, which is really good for लीला हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि हमें इस मीडिया हाइप का फायदा उठाना चाहिए। इससे अच्छा मौका हमें मिल नहीं सकता एक नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव पब्लिसिटी में कन्वर्ट करने का। What do you suggest, Miss Mona? All right. हो जाएगा। So let's call for a press conference tomorrow. Hospital. You guys can leave now. Also, Rajat, one second. बेशक मैं रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हॉस्पिटल में नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या होता है उस पर मेरी नजरें जरूर होती हैं डॉक्टर रजत सिंह। I'm glad. भगवान समीरेश चमत्कार भी कर सकते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हर चाल हर पासा हमारा उल्टा कैसे पड़ रहा है। मैं तुम लोगों को काम बिगाड़ने के पैसे देता हूँ, काम संवारने के नहीं। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंसल साहब, कि हमारा पासा कैसे उल्टा पड़ गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर वो पोस्टमार्टम डॉक्टर का जमीर कैसे जाग गया? मैं उस डॉक्टर को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो पैसों के लिए होम मिनिस्टर तो क्या अपने बाप तक की रिपोर्ट को बदल सकता है, पर ऐसा इंसान खुद पुलिस स्टेशन जाके अपने सारे जुर्म कबूल कर ले, ये बात समझ में नहीं आई। बॉस कुछ तो गड़बड़ है।